सनी देओल की फिल्म गदर 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 2 हफ्तों में फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी भी गदर 2 फैंस के दिलों में बसी हुई है। गदर 2 की कमाई में अब गिरावट शुरू हो गई है। फिल्म का कलेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका 450 करोड़ के क्लब में एंट्री करना भी मुश्किल हो गया है। वीकेंड पर गदर 2 के कलेक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को रिलीज हुई ड्रीम गर्ल ने इसके होश ही उड़ा दिए थे। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इसके कलेक्शन का असर अभी से गदर 2 पर दिखना शुरू हो गया है। गदर 2 का 15वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वीकेंड पर गदर 2 का बुरा हाल होने वाला है। गदर 2 ने 14वें दिन 8.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कलेक्शन 15वें दिन और गिर गया है। जैक नील की रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने 15वें दिन 6 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 425.10 करोड़ हो गया है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की ड्रीम गर्ल 2 की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पिछले 9 करोड़ का कलेक्शन किया है। वीकेंड पर ये कलेक्शन बढ़ने वाला है। ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 और ओएमजी 2 को मात देने वाली है। गदर 2 और ओएमजी 2 दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गदर ने कमाने के मामले में ओएमजी 2 को पीछे छोड़ दिया था। गदर 2 को बम्पर ओपनिंग मिली थी, वहीं ओएमजी 2 को 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करो, कमेंट करो और लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच।